सावनेर शहर के ब्रह्म कुमारी सेंटर में संपन्न पत्रकार मीडिया स्नेह मिलन संगोष्ठी में ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू के राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर शंतनु ने देश में शुरू अराजकता पर चिंता जताते हुए पत्रकार भाइयों से मूल्य निश्चय समाज निर्माण हेतु मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हम सभी पत्रकार भाई समाज के चौथे आधार स्तंभ के तौर पर काम कर रहे हैं। सामाजिक बुराइयां, राजनीतिक उथल पुथल आदि विषय पर सकारात्मक पत्रकारिता आज समय की मांग बनते जा रही है। सच्चाई पर कलम चलाना भी उतना ही जोखिम भरा होते जा रहा है। ऐसे में अधिकांश तो बस अपने को पत्रकार कहलाने तथा चाटुकारिता कर खुद को धन्य मानते हैं, जिससे पत्रकार भाइयों की ओर संदेह की नजरों से देखा जाता है। यह वस्तु स्थिति है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पत्रकार अपनी जान पर खेलकर सामाजिक विषमताओं को आगे लाने की कोशिश करता है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है, उन पर कातिलाना हमले होकर उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। यह बहुत बड़ी शोकांति का है। ऐसे विचार इस अवसर पर रख पत्रकार भाइयों को मार्गदर्शन कर ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने हेतु आमंत्रित किया। इस अवसर पर सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढोंडेले, वरिष्ठ पत्रकार तेज सिंह सावजी, दीपक कटारे, निर्भीड़ के संपादक पांडुरंग भोंगाड़े, युवा पत्रकार योगी पाटिल, विजय पांडे, विजय टेकाड़े आदि ने आज के दौर की पत्रकारिता पर अपने विचार रख बदलती पत्रकारिता की परिभाषा, जोखिम और आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी सेंटर सावनेर की संस्थापक राज योगिनी, सुरेखा दीदी, प्रियंका दीदी, पत्रकार पीयूष झिंझवाड़िया, अनिल अड़की ने, मुकेश झरबड़े, रितेश पाटिल, ब्रह्म कुमारी सेंटर के बीके अनिल ढवड़े, बीके विनोद मोरे, बीके शशांक डोंगरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेरे की रिपोर्ट।